आमिर माजिद। तो हाँ जी, फिर किदा राम राम सत श्री अकाल सबको। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का करते हैं दिन शुरू हो गया है, ब्लॉग करते हैं शुरू। गुरु जी का आशीर्वाद लेके हम आज अपना ब्लॉग करेंगे शुरू। तो आज चलते हैं राइड पे, आज मीटअप करना है सबने सतवारी चौक से। फिर देखते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं तो सबसे पहले हवा चेक करनी है, इसकी हवा कुछ ज़्यादा हो गया, ब्रेक ऑफ वगैरह ला दिया मैंने, सब कुछ चला दिया। ये चीज़ मैंने खोल ही दी क्योंकि वो टूट गया हुआ था, तो अब सब कुछ सही है। सो गाइस, इस समय मैं पहुंच गया दूधाधारी मंदिर क्रॉस करके लक्ष्मी नारायण मंदिर। और क्योंकि जहां पे हमने मीटअप रखना था जिस टाइम मीटअप था मैं उस टाइम कहीं और चला गया, मतलब किसी काम से। तो अब काम से तो मैं चला गया और पीछे से मेरे सारे दोस्त चले गए हैं। तो यार अब वो तो उन्होंने शूट करके वो घर पे भी आ गए वापस शायद, मे बी। बट उन्होंने मेरे को बोला कि तू जा सीधा, तेरे को मिल जाएगा कोई ना कोई, उधर हैं वेट कर रहे हैं नेस्कैफे। बस अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, तो गाइस अब सीधे उधर ही मिलता हूँ आप सबको। ये आ गया सिदरा से मेरे ख्याल से, ये भी था। अब चलते हैं, ओ भाई टनल ओ ट्रेन लगी है। विश मांगो भाई विश। मज़ा आता है ऐसे टनल में घूम घूम। सो गाइस, हम पहुंच गए समय नरवाल। तो मेरे को लगता है फ्यूल भरवा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने वैसे डलवाया तो था 200 का, बट फिर से डला लेना चाहिए 300 का कर देते हैं। मैं भी कहीं जाना ना पड़ जाए, तो क्या सोलो राइड करने का मेरे को लग रहा है। कहाँ से डलाऊँ, यहाँ से डलाऊँ। है फ्री? सो गाइस लेट्स गो। मैंने वैसे डलवाया था 200 का पहले, बट मैंने सोचा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं डलवा ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये 100 भी ऐसे ही कहीं उड़ जाएगा मेरे स्मोकिंग वगैरह में। ओ यार हॉर्न क्यों नहीं चल रहा इसका, व्हाट हैपेंड? ओ यार व्हाट द फक, हाँ चल पड़ा। तो मेरे को पता है ये वो 100 भी मैं ऐसे ही स्मोकिंग में वेस्ट कर दूंगा, इससे बेटर है आप पेट्रोल डलवा लो यार, हेल्थ तो बची रहेगी ना। गाइस इस समय हम पहुंच गए नरवाल चौक। तो बस अब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ना हो हमें तंग करने के लिए, बाकी सब ओके है क्योंकि हाँ ओके तो नहीं है मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है, मतलब ऐसे तो है बट ऑन द स्पॉट नहीं है। हाँ डिजी लॉकर में तो है, ये हार्ड कॉपी मांगते हैं ना, चक्कर ये है। सो गाइस मिल गए हमें सारे, यार ये बहुत पहले का क्रैश हुआ है, क्या हाल है? तू ठीक से चलाया कर स्प्लेंडर भाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए, मुझे लगा ये चले गए होंगे सारे, बट ये यहाँ पे है। होगी राइड की करनी है, अभी करनी है ना, बस बाकी सब ठीक। गाइस देखो कितनी सारी बाइकें हैं, R15 भी है यहाँ पे, हमारी स्प्लेंडर भाई, मिनी बुलेट भी है, हमारी ड्यूक भी है, एक और ड्यूक है वहाँ पर, MT भी है। तो फिर अभी यहाँ से राइड शुरू करते हैं, अभी इन्होंने मेरे को वहाँ पे बुलाया था। ओके भाई ये सारे जा रहे हैं भाई, ये तो भागे उनके R15 है, इनके पास सब पले पे तो ड्यूक है, कहाँ मुकाबला दे पाएंगे R15 को, मुझे तो नहीं लगता। और ये गए पीछे, यही हमारे सामने भड़कते हुए गए थे, तो अभी को हमने कर दिया पीछे, क्योंकि हमारे ब्राह्मीन भाई ने बोला था इनको करोगे करेंगे पीछे, तो काफ़ी लीड दी थी हमने।
गाइस एक सबसे खतरनाक है टर्न, सबसे खतरनाक डेंजरस टर्न है यार ये। इधर बी सेफ, बी सेफ गाइस, बी सेफ। ओ भाई आर्मन का लोग कहाँ उड़ते उड़ते जा रही है भाई, पल्सर को नहीं मारती मेरी वाली। ओ ये क्या कर रहा पागल, ओ पागल क्या कर रही है भाई, यहाँ पे लीन नहीं मारना तो गंदा लीन है ये। सो उसको पकड़ो जो जा रहे ना आगे। हाँ उनको क्या पकड़ेंगे, वो चले गए, ये रुक गए। बंदा ही डरा दिया हमें। वाओ बैठ बैठ गाइस, मैं मथुरा हॉस्पिटल पहुंच गया। देखो राइड करते हुए किसी को कोई भी परेशानी हो हॉस्पिटल ने पास ही रखा यार। माँ इधर पुलिस का सीन ना हो जाए तो जल्दी निकाल यार। बाय बाय बाय। यार नहीं किया करो पूछियो तंग, हम आपको तंग नहीं कर रहे ना, मैं ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे हम डर रहे हैं, हमें मजे से जान दो यार, हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो ही बोल रहा हूँ ना कि हमें जाने दो मजे से, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ इन्होंने गंदा चलाने देखे। ओ प्लीज खड़ी है यार आगे, यार कितनी बाइकें हैं ब्रो। इसके बाद मैं तो चला भाई आज उधर उनके साइड, उधर चला इसके बाद। वो चले ही गया यार। बाजी कैंड मैं मार ही नहीं पाया बैंडी यार, मैं बैंडी नहीं मार पाया यार, मैं बैंड मार रहा था, भाजी ने उधर बैच में बैंड मार दिया। गाइस चेक करो, गाइस चेक करो, दोनों आगे निकल गए, हम पीछे हैं बेचारे। ये पीछे ही रह जाता है, ये पता नहीं कहाँ चले जाता है। बताना ब्लॉगिंग करने में मजा आ रहा कोई, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो चल जाऊंगा भाई अभी, वो दे 300 का तेल डलाया था साला, एक भी डंडा नहीं रहा अब तो। सो गाइस एक को कर दिया ड्रॉप और नाओ हम चलते हैं, इसे चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इस समय वो कुत्तों को खाना भी डाल रहे हैं, कोई मंकियों को डाल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमें बच के रहना पड़ेगा क्योंकि मंकी सारे रोड पे आ जाएंगे ना, जब कोई खाना डाल रहा होगा एक्सीडेंट के काफ़ी ज़्यादा। ओए देखा, इसी चीज़ का मेरे को डर था, इसी चीज़ का डर था भाई, मंकी आ गया था ना अभी रोड पर।
क्योंकि यार लोगों ने खाना ही डाल दिया ना, रोड पे डाल दिया, एटलीस्ट को यार थोड़ा साइड पे तो डालो, तो उसी वजह से बंदा इंसान बच भी सकता है यार, एक्सीडेंट होने के चांस कम होते हैं। अगर आप गाड़ी पे पार फेंकोगे तो मुर्गी वहाँ पर ही खाएंगे ना खाना, यहाँ पे तो नहीं खाएगा कोई। गाइस चेक करो, गाइस चेक करो, चेक करो गाइस, चेक करो, चेक करो, चेक करो गाइस, चेक करो। आमिर माजिद गाइस चेक करो, आमिर माजिद, आमिर माजिद। हाय आमिर भाई, बिग फैन ब्रो। यार भाई आमिर भाई आ गए हमारे, चेक करो गाइस, यार जोरी से भी आ गए। हाँ ये हमारे भाई के फैन, छोटे छोटे फैन, आमिर भाई के फैन। चेक करो गाइस, गाइस क्या धमाका गाइस, ओहो भाई क्या उड़ा है ब्रो, चौबीस एक सौ, मेरे को यकीन नहीं था तो क्या बन गया। चेक करो गाइस, चेक करो, चेक करो। आमिर भाई गाइस फाइनली मेट आमिर माजिद, तो अब हम मिलते हैं, बाइक ठीक करानी है, हम चलते हैं अभी घर पे, बाद में फिर मिल लेंगे कभी, तो अब चलते हैं। सो गाइस हमारे आमिर भाई बाइक नहीं सीज करानी यार, क्योंकि अभी शादी भी है घर पे, बाइक सीज होगी तो ड्रामा हो जाएगा, क्योंकि बहुत काम है। कैसा लगा आपको पहली बार मेरे चैनल पे माजिद भाई को देख के, ये जम्मू का सितारा है। अब चलते हैं गाइस घर पे, हमारा काम तो हो गया, हमने तो मिल लिया। सो गाइस हमने उन भाई को भी बचा लिया, एक्चुअली मेरे को फ़ोन आ गया। चलो गाइस ग्रीन कलर किया एडिशन किया हुआ है कभी भाई ने, सही लग रहा है ये भी स्टेंटर। अब लोग अभी देखना सन आएगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ब्रो क्या व्यू है भाई। कल मैंने एक ड्रॉर खोला, ड्रॉर के बीच में 60 रुपीज़ की आती है पॉकेट परफ्यूम, तो मेरे को ना मेरी दोस्त के घर से मैं लेके आया था, तो यू नो अब मेरी उस दोस्त से बात नहीं होती, वो दोस्त थोड़ा दूर है मेरे से पर बात नहीं होती है, तो आई होप हो जाए, तो मैं भी नहीं करता। तो ना वो परफ्यूम मेरे को मिली उसकी खुशबू बहुत अच्छी, बट जो मेरी दोस्त है ना वो कभी परफ्यूम लगाती नहीं है, मतलब लगाती है मतलब, तो वो होता ना कि मतलब रेगुलर नहीं लगाती, मतलब ये नहीं है हम जैसे ठोपी दो, मतलब वो सिंपल है लड़की। तो क्या सी ना, तो कल मेरे को वो परफ्यूम मिली तो ना मेरी हेलमेट में से भी उसकी खुशबू आ जा रही है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को फील हो रहा है। ठीक अच्छा है, अच्छा पिंक कलर की थी वो, या सिचुएशन गंदी थी, यादें तो अच्छी बनाई थी ना, याद कर देना चाहिए। आई डोंट केयर, ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए, तो जैसे मैंने हाथ छोड़े हुए हैं, ब्रेक मार दी ना मैंने, देखो तो होगी ना कंट्रोल, तो वैसे ही हमें कंट्रोल करनी है और कुछ भी नहीं है। बी सेफ, पहुंच गए समय। गेटर कैलाश, गेटर कैलाश आप कहाँ रहते हो, कश्मीर कहाँ, हाँ श्रीनगर कहाँ, ओके भी कर लेते हैं परफॉर्म, ओके बाय।
भाई से, हमारे कश्मीर से भाई थे, लव है कश्मीर को यार, जन्नत में रहते हैं भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, उनके साथ बेबी था यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ मुझे जुकाम हो गया। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। हम भी पहुँच गए अपने घर वाली साइड, और मेरे को बताओ आपको ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबाना। भाई को थोड़ी सी सपोर्ट करो, लव दिखाओ यार, इतनी का लव गाइस, मुझे आपका लव मिलेगा ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और करने की। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं भाई को विक्रांत ब्लॉग्स विक्रांत राठिया ब्लॉग्स को। तो गाइस चेक करो आप ब्लॉग्स, और भी ब्लॉग्स देखो, शेयर करो, और हम करते हैं ब्लॉग को यहाँ पे दी एंड। सो गाइस बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय गाइस।